अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ झींगा बिरयानी। ये मैंने 2 किलो झींगा ले ली हूँ और ये मार्केट से ही साफ़ करके लेके आई थी और अच्छे से इसको घर में ला के धो के दो इसको छन्नी में रख दी थी पूरा पानी निथरने तक। अभी ये आधा कटा हुआ नींबू ले लेना है, इसको अच्छे से निचोड़ लेना है। अभी 1 चम्मच नमक डाल देंगे, 1 चम्मच हल्दी डाल देंगे और 1 चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, 1 मुट्ठी भर के कसूरी मेथी डाल देंगे और 1/2 कप दही डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और 1/2 चम्मच झींगा मसाला डाल के अच्छे से मिक्स करके 1 घंटे तक रख देना है। ये हमारा बिरिस्ता का तेल है, इसमें सब सारे हमारे खड़े मसाले डाल देंगे। अभी 2 चॉप करी हुई ऑनियन डाल दी। अभी इसमें सारे सूखे हमारे पाउडर मसाला डाल देना है तेल में प्याज के साथ और स्लो धीमी फ्लेम में भून लेना है अच्छे से। अभी ये हमारा 2 बड़े कटे हुए टमाटर आ गए हैं, ये टमाटर डाल के 1 चम्मच नमक डाल देंगे और अच्छे से भून लेंगे। ये हमारा चावल के लिए पानी रेडी कर देंगे। 1 चम्मच नमक डाल देंगे, जो भी हमारा खड़ा मसाला, पुदीना, तेज पत्ता डाल देंगे और ये हमारा टमाटो डालने के बाद 1/2 कप दही डाल दी हूँ और जो भी हमारा हर्ब्स है, फ्रेश ड्राई हर्ब्स, वो डाल दी हूँ। ग्रीन चिल्ली डाल दी हूँ, पुदीना डाल दी हूँ। अभी ये जो हमने आलू तल के रख दी थी साइड में, वो डाल देंगे। अभी इसके बाद हम डाल देंगे झींगा जो हमारा मैरिनेट करके रखे हुए थे। अभी हम इसमें डालेंगे बिरिस्ता। बिरिस्ता को हाथों से अच्छे से क्रश करके मिक्स करके मसाला बनके रेडी करके कर लेना है। अभी हमारा पानी हो गया है बॉईल, इसमें डाल देंगे चावल। चावल 90% कुक कर लेना है। हमारा चावल 90% कुक हो गया है। अभी गैस का फ्लेम ऑन करके एक तवा ले लेना है, उसके ऊपर बर्तन ले लेना है, 1 लेयर चावल का बिछा डालेंगे, थोड़ा सा फ्राई किया हुआ ऑनियन और पुदीना, फिर हमारा मसाला डाल देंगे जो भी हमने बना के रखे थे, फिर थोड़ा सा बिरिस्ता और थोड़ा सा पुदीना, फिर हम और 1 लेयर चावल का रख देंगे। फिर चावल हमारा बिछा के हो गया है। अभी थोड़ा सा बिरिस्ता और पुदीना, 10 मिनट तक इसको कुक करके रखना है और थोड़ा सा तेल लो मीडियम में कुक करके, और देखो 10 मिनट हो गया है हमारा लो मीडियम में पकते हुए। हमारा बिरयानी बन के हो गया है रेडी। बनाइए, घर वालों को खिलाइए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।